केरल के मलप्पुरम जिले में एक टूरिस्ट बोट पलट गई। हादसे में 21 लोगों की डूबकर मौत हो गई है और करीब 7 लोगों की हालत गंभीर है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ये घटना तनूर इलाके की है। रविवार 7 मई की शाम को करीब 7:30 बजे ये हादसा हुआ। हाउस बोट में उस वक्त 40 लोग सवार थे। नाव किस वजह से पलटी है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में बचे लोगों ने आरोप लगाया है कि नाव में काफ़ी भीड़ थी और ज़्यादातर यात्रियों के पास सेफ्टी लाइफ जैकेट नहीं थे। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि शाम के बाद पानी में नाव चलाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन निजी कंपनी के संचालकों ने सर्विस जारी रखी क्योंकि लोगों की भारी भीड़ थी। नाव पलटने पर ऊपर वाले डेक में सवार यात्री बचने में सफल रहे, लेकिन नीचे वाले डेक में बैठे लोग अंदर ही फंस गए थे क्योंकि इसके दरवाजे बंद थे। हादसे के वक्त नाव में मौजूद रफीक ने मीडिया से बात की और बताया कि नाव पूरा पोझा नदी के मुहाने के पास पलटी है। रफीक ने बताया कि आसपास कोई नाव नहीं थी, इसलिए रेस्क्यू में भी देरी हुई है। हादसे के बाद कई वीडियो सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि देर रात रेस्क्यू के लिए टॉर्च जलाकर लोगों को ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची टीम और स्थानीय लोग मिलकर नाव को किनारे पर लाए। अंधेरी की वजह से लोगों को निकालने में काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं। बता दूं कि मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वहीं कई नेता राजनेता अपना दुख भी जता रहे हैं।